हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना करने की मुख्य विधियों की संख्या कितनी है। तो जो राष्ट्रीय आय बोले तो नेशनल जो इनकम है उसे गणना करने के लिए तीन विधियों का यूज किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो रामायण में किस राक्षस ने राम की आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारा था। तो मारीच जो नामक जो राक्षस था उसने राम की आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राज्यपाल का वेतन तथा भत्ता दिया जाता है तो कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन है हम भत्ता। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर स्थित है दादरी ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राज्य में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है दोस्तों, तो उनका नाम है दोस्तों प्रकाश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है। तो पहली महिला की बात हो रही है तो उसका नाम है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी, राजीव गांधी प्राप्त करने वाली पहली महिला है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राग देश किस प्रहर में गाया जाता है। तो रात्रि का प्रथम जो प्रहर होता है उसमें राग देश गाया जाता है और राग जो भैरवी है वो प्रातःकाल गाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। तो अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के उसके आय संसाधनों में प्रत्येक सदस्य के अंशदान की मात्रा के संबंध में कौन निर्णय करता है दोस्तों। तो महासभा निर्णय करती है दोस्तों आय के संसाधनों के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी जीके के क्वेश्चन प्राप्त कर सके दोस्तों। और कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई विचार है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।